हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नई परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता हो, कॉलेज अपडेट्स आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी अपडेट देता है। तो जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जो भी अपडेट रहेगी वो आपको कॉलेज अपडेट्स पर प्रोवाइड होगी। तो फाइनली दिल्ली पुलिस, जिनका सपना रहता है कि दिल्ली पुलिस की वर्दी वो पहने, तो दिल्ली पुलिस में काम करना चाहते हैं, तो फाइनली दिल्ली पुलिस के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो जारी हो चुके हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया है, क्या ऐसे क्या रहेगा, कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। देखिए, ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये दिल्ली पुलिस की साइट पर भी आ चुका है और SSC की कमीशन SSC.NIC.in पर भी ये आ चुका है, ठीक है। तो जो पोस्ट निकली है उस पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल, जिसे दरोगा बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 मई से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट जो है वो 16 जून है, मतलब 16 जून तक आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ठीक है। आप ये देख लीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ। और जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब कि आपका MCQ होंगे। SSC कंडक्ट करा रहा है तो सबको पता है कैसा एग्ज़ाम होगा। सेप्टेम्बर में आपके एग्ज़ाम होंगे। प्लस इसमें कुछ और मैं आपको बताया था, इसमें क्या क्या होगा। देखिए, इसमें टोटल मिला के 1000 वैकेंसी निकाली गई हैं, मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों एलिजिबल हैं। आप इसकी जो क्राइटेरिया है वो 12th पास है, मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी वो 12th पास आउट आप होने चाहिए, 12th आपकी पास होनी चाहिए। उसके अलावा टाइपिंग मांगी गई है, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 बॉयज़ के लिए, 30 गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसके बाद ये तो आपके एग्ज़ामिनेशन, जब आप पास आउट कर लोगे उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में वही 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ होती है वो आपको पूरी करनी है 7 मिनट में 5 मिनट में, ठीक है। तो जैसा आपको नोटिस दिखा रखा है, उसका मेडिकल होगा, उसके दैन बाद आप दिल्ली पुलिस की आपको वर्दी मिलेगी। जो इसकी फ़ीस रहेगी वो आपकी 100 रुपये रहेगी OBC और जनरल वालों के लिए, और SC ST के लिए बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं है, 0 रुपीज़ है, ठीक है। तो SC अगर आप हो तो आप भर सकते हो, ठीक है। तो देख ले पोस्टों के बता रखा है, जनरल के लिए 119 है कैटेगरी में, EBS के लिए 28 है, OBC के लिए और SC के लिए 32 है, टोटल 276 है। तो ऐसे इन्होंने बांट रखा है, ठीक है। SC के लिए रिलैक्सेशन है, अगर आप SC हो तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ 18 से 25 साल तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर SC से हो तो 5 साल का और आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा अगर आप SC कैटेगरी से हो। सही बता रहा हूँ, ये जब से ये जो आरक्षण है ना, ये जनरल वालों को काफ़ी पीछे छोड़ देता है, ठीक है। और हेड कांस्टेबल की ये वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल का ये पद है, दरोगा जिसे कहा जाता है, आप भर सकते हो। और आपकी जो जॉब रहेगी वो आपका दिल्ली हेड क्वार्टर के अंदर ही रहेगी, कंप्यूटर के ऊपर, फील्ड का वर्क नहीं मिलता इसके अंदर, पर फिजिकल आपका होगा, ठीक है। तो बाकी अप्लाई आप कर सकते हो SSC.in पे जाके, दिल्ली पुलिस की साइट पे जाके, वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म ओपन है, आप जाके फिल कर सकते हो। बाकी साइबर कैफे भी जाके आप फॉर्म अपना फिल करवा सकते हो। तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट ऐसी हम आगे भी आपको देते रहेंगे, जैसी जॉब्स की अपडेट आती रहेगी। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।